दोस्तों ये वैष्णो माता का मंदिर है वृंदावन का। यहाँ पर माँ वैष्णो की बहुत ऊंची और बड़े आकार की मूर्ति है। आप देखिए माँ के जो आठों हाथ हैं, उन आठों हाथों में अलग अलग हथियार या शस्त्र मौजूद है। माँ का शेर भी बहुत बड़े आकार का है। बगल में हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी बैठे हुए हैं। यहाँ का जो मंदिर है ये खासतौर पर इस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हम लोग भी यहाँ घूमने आए, पर जब अंदर हम गए लगभग 2 घंटे के इंतज़ार के बाद, 2 बजे से हमने लाइन लगा रखी थी और 4 बजे हमारा नंबर आया और 4 बजे ही यहाँ पर गेट खुलते हैं, 4:15 बजे नंबर आया। उसके बाद हम अंदर घुसे बड़ी मशक्क़त के बाद, दबे कुचले से हालत में, लेकिन उसके बाद ही जब अंदर आए तो पता लगा कि अंदर जो मुख्य दरबार है माता का मूर्ति है, उधर जाने के लिए आपको कैमरा वगैरह सारे बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे, मोबाइल पर्स वगैरह, तो हम वो रिस्क लेना नहीं चाहते। जब कैमरा ही अंदर नहीं जा सकता तो फिर हम आकर क्या करें यहाँ, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। और इसलिए हम आपको ये मूर्ति दूर से दिखा रहे हैं, बाकी आप भीड़ देख सकते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता यहाँ पर कितनी लोकप्रिय हैं। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। ये बगल में एक पार्क सा बना हुआ है, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, उसको ऊंचा नीचा जो मैदान था उसको यहाँ पर हरा भरा कर दिया गया है। इस तरह पर ये देखिए। तो दोस्तों हम अंदर जाने में सफल रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल ही नहीं ले जाते, फिर वीडियो कैसे बनाते। इसलिए आप यहीं से दर्शन कर लीजिए माता के, और जब भी आप वृंदावन घूमने आएँ तो इस स्थान पर जरूर आएँ, लेकिन मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाओगे और समय से लाइन लगा दें वरना नंबर ही नहीं आएगा, यहाँ बहुत मुश्किल काम होता है। थैंक यू।